हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल और मैं हूँ मयूरी। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में, स्पेशली स्टूडेंट के लिए। जैसे हमारी चैनल चल रही है विदेश यात्रा, तो उसके अंदर अभी जो हम चला रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कंट्री सिलेक्शन के प्रोग्राम्स के बारे में सारे डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट ऑस्ट्रेलिया कंट्री। सबसे पहले है कि कंट्री क्या है, उनका वहाँ पे पीपल और कल्चर किस तरह का रहता है, उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ कैसी रहती है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम और एग्ज़ाम्स किस तरह की आपको अप्लाई करने के लिए देनी पड़ेगी, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है और वहाँ पर आर्ली आपको क्या पेमेंट वेजेस मिलता है, उसके बाद वहाँ पे कौन सी हायर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप स्कॉलरशिप के बेस पे अप्लाई कर सकते हो, और दूसरी चीपेस्ट यूनिवर्सिटी जो इंडियन स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकते, उसके बाद वहाँ पे जॉब किस तरह से स्टूडेंट को मिलती है और जॉब कल्चर किस तरह का रहता है, एंड सबसे लास्ट वहाँ पे पीआर सिस्टम कैसे होती है और आप पीआर के लिए किस तरह से एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सारी डिटेल आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के 90% पीपल कोस्टल एरिया में ही रहते हैं, और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया इज अ सेकेंड बेस्ट कंट्री है उनके लाइफ और कल्चर के लिए, बिकॉज ऑफ यहाँ की लाइफ कल्चर काफ़ी अच्छी है बेस्ड ऑन द इंडेक्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड ऑस्ट्रेलिया फोर्थ हैप्पीएस्ट कंट्री ऑन द प्लानेट है, कि यहाँ का कल्चर और पीपल काफ़ी अच्छी तरह से रहते हैं। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया कंट्री सिलेक्ट करनी है तो ये फैक्टर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादातर जाना जाता है वहाँ की वंडर्स, यानी वहाँ की जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, ब्यूटीफुल प्लेसेस है, बीचेस है, और नियर कोस्टल एरिया के आसपास जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसको नेचर से ज़्यादा लगाव होता है, वहाँ वो पीपल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ट कंट्री रहेगी फॉर अ स्टूडेंट और फॉर लाइफ एंड परमानेंट रेसिडेंस। चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट लाइफ की। जैसे कि हमारे इंडियन स्टूडेंट और एशियन स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया में टेक्सटेशन इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हुई है, तो वहाँ से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अकाउंट सेक्टर और फिनांस के अंदर उनको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, और स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी के साथ अर्निंग के लिए आर्ली 18-20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इजीली अर्न कर सकते हैं। आपको वहाँ पे स्टडी में कोर्सेज लेने हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें सबसे पहले है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है कोर इंजीनियरिंग, देन अर्थ साइंस एंड रिलेटेड फील्ड है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी टेक्नोलॉजी, उसके बाद आप साइकोलॉजी का कोर्स ले सकते हो, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑल्सो बेस्ट कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस एंड डेटा साइंस, एंड उसके बाद मेडिसिन मेडिकल प्रोग्राम्स, वो हर कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, एंड जब से कोविड गए हैं उसके बाद ये कोर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कोर्सेज, तो आपको पता चल गया कौन से कोर्सेज है, बट आपको लगेगा कि एग्ज़ाम कौन सी देनी रहेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपको कॉमन एग्ज़ाम्स पता रहती है IELTS, TOEFL, GRE एज वेल एज PT, बट ज़्यादातर स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो दो एग्ज़ाम पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, IELTS और PT, दोनों में से कोई भी एक आपके पास एग्ज़ाम क्लियर के आपके पास मार्क्स होते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपको अगर एडमिशन्स मिल जाता है तो फ़ी स्ट्रक्चर रहता है 20,000-40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम रहता है, तो ये फ़ी स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो आपके कोर्स के हिसाब से कि आपका फ़ीस कितना बन सकता है बेस्ड ऑन आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से आपका एक एक्सपेंस का भी आइडिया मिल जाएगा कि आपने जो एग्ज़ाम्स इंडिया में दी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं या फिर लैंग्वेज एग्ज़ाम्स बोल सकते हो आप कोई भी कंट्री में जाने के लिए, तो एग्ज़ाम्स के बाद आपकी कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए जो भी आपका फ़ीस होता है जो मैंने आपको बताया, वो दोनों आप चेक करके आपका कॉस्ट सेट करके ऑस्ट्रेलियन कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप रैंकेड कॉलेज है जो वर्ल्ड लिस्ट में आती है, उसमें बेस्ट 3 कॉलेज में से सबसे पहली कॉलेज है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, सेकेंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न।
तो ये तीन कॉलेजेस है जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में 31st रैंक पे आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वर्ल्ड पे 40 नंबर के रैंक पे आती है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न 41 रैंक पे आती है। तो ये तीनों कॉलेज हो गई जो वर्ल्ड रैंक में भी ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजेस में आती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में चीपेस्ट यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर पाते हैं, उसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ डिनिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। तो ये सारी कॉलेजेस हैं जो चीपेस्ट फीस में आप उनको अफोर्ड कर पाते हो। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको दो टाइप की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी मिलती है जिसमें रैंक वर्ल्ड रैंक में भी आती है और चीपेस्ट आती है। तो आपका जो बजट रहता है और एज वेल एज आपके जो रिजल्ट्स है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट, फिर आपने जो एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लैंग्वेज एग्जाम बोलते हैं कोई भी कंट्री में जाने के लिए, ये दोनों के कोर्स, दोनों के जो भी मार्क्स होते हैं वो मार्क्स और आपका फीस, ये सभी को मिला के आप चेक कर सकते हो कि आप कौन सी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में आपको जॉब करनी है तो वहाँ पे कौन कौन सी हाई पेड जॉब आपको मिल जाती है इजीली, बट आपके बेस्ड ऑन कोर्सेज, आपके बेस्ड ऑन स्किल आप ये सारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर्जन के लिए, उसके बाद एनेस्थेटिस्ट के लिए, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल डीलर, अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जुडिशियल और अदर लीगल प्रोफेशनल, माइनिंग इंजीनियर, एज वेल एज सबसे डिमांडिंग है आईटी सर्विसेज, जिसमें काफ़ी अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी आईटी के प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं मंथली एक्सपेंस ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए। तो वहाँ पे रेंट आपको अप्रोक्सीमेटली 860 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ट्रांसपोर्टेशन पासिस आपको लगते हैं 210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बेसिक एमिनिटीज़ आपकी लगती है 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड एंटरटेनमेंट और एक्स्ट्रा आपके जो भी यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस रहते हैं वो 300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहते हैं। तो ये आपका बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ से कि आपका वहाँ पे रहने का एक्सपेंस किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैंने आपके साथ सारी डिटेल्स में बताया कि आपको ऑस्ट्रेलिया कंट्री सिलेक्ट करनी है तो उसका जो भी जियोग्राफिकल क्या है, कोस्टल एरिया के हिसाब से वहाँ का लाइफ और कल्चर कैसा है, वहाँ का पीपल का नेचर कैसा है, वहाँ पे आप कॉलेजेस किस तरह के सिलेक्ट कर सकते हो, टॉप रैंकेड इन द वर्ल्ड कौन कौन सी ऑस्ट्रेलियन कॉलेज है वो ले सकते हो, चीपेस्ट यूनिवर्सिटी ले सकते हो और काफ़ी ऐसे कोर्सेज है वो कोर्सेज आप यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करके आप वहाँ पे स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आज के वीडियो की डिटेल्स। जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंट्री के साथ। तब तक मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।